रामलीला कमेटी बहादुरपुर जट द्वारा दशहरे के बाद रामलीला मंचन द्वारा राष्ट्रतिलक के दृश्य दिखाए गए। सर्वप्रथम लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान अंगद ने लंका में जाकर विभीषण का राष्ट्रतिलक किया और लंका की सत्ता रावण के मरणोपरांत की विभीषण को दी। विभीषण ने सभी के कल्याण के लिए राजकाज चलाने का वचन दिया। इसके उपरांत रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान जी सीता सहित अयोध्या को गए। वहां पर उनका स्वागत भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा और केकई ने किया और इसके उपरांत भगवान रामचंद्र जी को वशिष्ठ द्वारा राष्ट्रतिलक किया गया और अयोध्या का ताज उनके सर पर पहनाया गया। इस अवसर पर रामलीला कमेटी ने सभी पात्रों को रामलीला कमेटी की ओर से पुरस्कृत किया। रामलीला कमेटी में निर्देशक धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र तोमर, धीर सिंह, कृष्णपाल, पुष्पेंद्र काला, ललित, अमित सैनी, रमेश कुमार, कुक्कू राकेश, शिवा चौधरी, मनोज चौहान, मनोज सैनी, विनोद चौधरी, फकीर चंद वर्मा, अशोक शर्मा, योगेंद्र कश्यप, रवि कश्यप, अजमेर कश्यप, प्रदीप पाल आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट मीरा कटारिया। आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी।